थ्री डे टू का व्लॉग अपलोड नहीं किया था, क्योंकि ये हमारे जो कैप्टन साहब है ना, ये मैच हार गए थे। पता नहीं उन्होंने कैसे खेला है, हर जब भी उठता है बैट उठाता था और प्रैक्टिस करता था, तो मैच में इनसे खेला नहीं गया। तो इसलिए हमने आज ख़ास बंदा बुलाया है दम दरूद के लिए। शाह साहब लाहौर से आए हैं हमारे। शाह साहब आज क्या है, कोई भविष्यवाणी करें? आज जीत जाएंगे। तो ये हमारे शाह साहब हैं, इनको लाहौर स्पेशल बुलवाया है कि कोई दम दरूद फेंके हमारे ऊपर और जो बाकी मैचेस रह गए हैं वो जीत जाएं। तो देखते हैं आज क्या सीन होने वाला है। तो मिलते हैं ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स। भाई साहब पहला मैच तो हमने जीत लिया बास्केटबॉल का, सही ठोक है उनको। मैं कहता हूँ जितना ठोक सकते, एक पॉइंट उनसे नहीं होगा गया यार। अगर 20 मिनट में हमारे 5 पॉइंट थे और दो प्रॉपर थे, दो उन्होंने ऐसे झूठ में आके ना फाउल दे दिया था हमारे, और रोला तो वो मैं कहता हूँ इतना डालते थे बस है उनके। फिर पॉइंट उनसे एक नहीं होता था, वो बेचारे फिर रोने लगे, वो कहते थे फिर हमारे साथ ये करते हैं वो करते हैं, हमने उनको ये दे दिया। तो अभी हम फाइनल में पहुंच गए हैं, तो अभी सेमीफाइनल हो रहा है, उसके बाद जो टीम जीतेगी वो हमारे साथ खेलेंगे। मुइज भाई फुल सपोर्ट है आपका, फूका चल गया, शाह साहब का फूका काम कर गया, बताएं ना इनको। फिलहाल हमारे कैमरा मैन भी है, इनका जो फूका था वो चल गया यार, दम हुआ हुआ तो उंगली भी निकल गया मेरी, ये वाली सीधी बात है, मेहनत के सिले ऐसे ही मिलते हैं। तो भाई तो देखते हैं अब फाइनल में जीत पाते हैं या नहीं, इंशाल्लाह जीते। भाई साहब हम आ गए हैं इधर टेबल टेनिस वाले अपार्टमेंट में, तो मैचेस तो हमें चल रहे हैं, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है मैचेस देख के। तो हमारा वॉलीबॉल का मैच शुरू हो गया, तो हम भाई साहब आज है डे 4 और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, तो आपका भाई भी बास्केटबॉल में जीत गया भाई, कैप्टन था बास्केटबॉल का, तो जीतना तो ज़रूरी था। और जो मज़ा आया बास्केटबॉल में ना, वो मैं बता नहीं सकता। कैप्टन आया मेरे पास, मुझे कहता है कि जीत के दिखाना आप में हिम्मत है, तो ये आपको मैं एक पॉइंट नहीं करने दूँगा। उसके बाद फिर कैप्टन साहब तो गुस्सा हो गए, थोड़ा सा लड़ाई हो गया पहले, फिर मैच और इंटरेस्टेड हो गया कि सारी टीम उनको सपोर्ट कर रही थी जितनी भी थी कॉलेज की। हमारी टीम जो अकेली थी उसको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, तो फिर हम जो खेले हैं भाई साहब उनका 0 पॉइंट हमारे 4। फिर फाइनल में चले गए, उनका सेमीफाइनल हुआ, सेमीफाइनल में वो फिर जीत गए और फिर फाइनल में हमारे साथ आ गए, तो फिर कैप्टन साहब को एक पॉइंट नहीं करने दिया।
तो हमारे हो गए हैं, फिर पेनल्टी पे फैसला हुआ, पेनल्टी पे जो दिलावर भाई ने गोल किए हैं दो लगातार, मैं कहता हूँ भाई साहब, ये रही हमारी ट्रॉफी बास्केटबॉल की। जिस बंदे ने हमें जिताया है वो ये बंदा है भाई, इसकी वजह से हम जीते हैं। ये न होता तो हम कभी भी ना जीत पाते। दो पॉइंट लगातार किए एंड पे पेनल्टी पे, और हमारे मैच ने यू टर्न लिया, हमारा मैच हारा हुआ मैच हम जीत गए हैं फाइनल। मैं अपने भाई से ये ट्रॉफी मैं आपके नाम करता हूँ क्योंकि ये आपकी वजह से जीते हैं। शुक्रिया। कैप्टन मैं था क्योंकि विनिंग ऑफ द मैच ये बंदा है। तो भाई उधर से जो लोग गायब हुए, दिलावर जी बताएं ना थोड़ा सा किस बारे में। वो जो लोग गायब हुए, जो लड़ाई हुई है, वो सारा कुछ उनके साथ जो हमने हाल किया है ना, ओफ। फिर वो कहते हैं हमारे बड़े भाई हो के ना अपने छोटों के साथ ज्यादती किया, ये क्या वो क्या। मैंने कहा बड़वो, जब तुमने हमारे साथ क्रिकेट में ये हाल किया था तो अब खुद हारे हो तो हार को बर्दाश्त करो, अब ये बातें करना छोड़ो। तो भाई उनका जो बास्केटबॉल का कैप्टन था उसके बारे में क्या कहना था? वो तो हमें बाद में नजर ही नहीं आया, जो बातें कर रहा था। आए हम टीम में आए, मैं आपको बताता हूँ गेम में अभी ये है वो है। वो कहता है गेम में आपकी टांगे तोड़ दूंगा, वो तो ये बात भी करता था, पॉइंट नहीं करने दूंगा। लेकिन हमारे शेर दिल एक अजीज, हमारे जो प्लेयर थे, उन्होंने एक पॉइंट नहीं करने दिया साथ, वो हाल किया ना, वो फिर बाद में कोई ऐसे बातें कर रहा था। वो आपको बातें हम बता नहीं सकते, वो जो बातें एंड पे कर रहा था उसने, मेरे कैप्टन ने क्या किया है बाकी। हम बास्केटबॉल भी जीत गए हैं, वॉलीबॉल भी जीत गए हैं, उसके बाद जो था बाल फुटबॉल का मैच भी हम जीत गए थे, लेकिन वो ट्राई हो गया था क्योंकि सर ने कहा टाइम पूरा हो गया। दो चार गेमों में हमने जानबूझ के हिस्सा नहीं लिया, थर्ड प्रॉफिट में लिया था लेकिन हम खेले नहीं है। हमने कहा छोटे भाई को जीतने दें ताकि वो भी खुश हो जाएं, तो मेन गेम में हमने खुद जीती हैं और जो छोटी मोटी रेसेस हैं वो फिर उनको जितवाई हैं, भाई भी खुश हो जाए हमारे। कोई नहीं, इतना गुस्सा हुआ है, हाइपर हुआ मैं पूरे सारे कल।